की शुरुआत हम 2 मिनट शांति में बैठ करके करेंगे। एक बहुत सुंदर परमात्मा स्मृति का गीत बजेगा। हम सभी आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने शुद्ध और शुभ भावनाओं के साथ शुरू करेंगे। ईश्वर से जा प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जा प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। सबको वो सुख देता है, शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल, दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। नमस्कार, गुड इवनिंग, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का आज ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। वेरी वार्म एंड हार्टी वेलकम टू ऑल द डेलीगेट्स फॉर यूथ पार्लियामेंट। आज विशेष रूप से ये कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज की यूथ विंग की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट, वेलबींग एंड बेटर वर्ल्ड। तो ये जो कार्यक्रम आज हमने आयोजित किया है, विशेष रूप से Y20 के अंतर्गत ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है। आप सभी को ज्ञात होगा कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली हुई है। ये बहुत गौरव की बात है। और G20 जो 20 पावरफुल कंट्रीज़ हैं मिलकर के पूरे अलग अलग इश्यूज़ को
ना समाधान निकालती है अपने अच्छे विचारों के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इस समाज की व्यवस्था को अच्छा बनाने में अपने अच्छे विचारों का योगदान देती हैं। तो विशेष रूप से G20 के अंतर्गत Y20 ये यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर के अंतर्गत आता और इसमें ब्रह्मा कुमारीज को गवर्नमेंट की तरफ से विशेष सम्मिलित किया गया और पूरे भारत भर में Y20 के अंतर्गत युवाओं के अनेक अनेक सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, ना टॉक्स, वर्कशॉप्स और वॉक्स हो रही हैं ना। तो बहुत सारे युवा भाई बहने इस कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और अपने अपने अच्छे विचारों से वेलबींग एंड हेल्थ के ऊपर ना एक समाधान या कहें कि एक अच्छा व्यवस्था स्थापित करने में अपना अच्छे विचारों का योगदान कर रहे हैं। तो आज विशेष रूप से हम इस पार्लियामेंट के अंदर भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप सबका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, अपने अच्छे विचार, हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नया सीखेंगे, अपने अच्छे विचारों को अपने भारत देश को स्वस्थ और सशक्त बनाने में अपना योगदान देंगे। तो आप सभी का पुनः स्वागत। और ब्रह्मा कुमारीज जो पहली बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज पधारे हैं, हम शॉर्ट में आपको ब्रह्मा कुमारीज के बारे में बताना चाहेंगे। ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ये एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ पर स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है, मेडिटेशन सिखाया जाता है और वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाता है। विशेष रूप से इसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जो है वो माउंट आबू में है और मोर देन 139 कंट्रीज़ में अराउंड 9000 प्लस ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं। इस विद्यालय से जुड़े हुए लाखों परिवार इस विद्यालय की टीचिंग्स को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला रहे हैं। चेंज तो हर एक की लाइफ में आता है लेकिन अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी ऐड हो जाती है तो हम अपनी लाइफ को भी ब्यूटीफुल बनाते हैं और अपनी सोसाइटी, अपने देश को भी अच्छा सशक्त बनाने में योगदान दे सकते हैं। तो इसीलिए इस विद्यालय की जो शिक्षाएं हैं वो हमारे पॉजिटिव चेंज में लाने में हमें बहुत मदद करती है। ब्रह्मा कुमारी इसकी दो सिस्टर कंसर्न हैं, ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी एंड राजयुगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन। सो अंडर राजयुगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन वी हैव 21 विंग्स जो समाज के विभिन्न वर्गों को ना उनकी फील्ड में किस प्रकार की चैलेंजेस आती हैं, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए उनकी फील्ड में वो कैसे स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन प्रैक्टिस करके बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं और पावरफुल भी बना सकते हैं, ये बताया जाता। और ब्रह्मा कुमारी जो है यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है एज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जो इकोसॉक है और यूनिसेफ है उसमें भी ब्रह्मा कुमारीज को कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है। तो इस तरह से 1980 से यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर के भी ब्रह्मा कुमारीज जो है समाज के विभिन्न वर्गों के ना जो डेवलपमेंट है या प्रॉब्लम्स उनके सॉल्यूशंस के ऊपर कार्य कर रही है। तो इस तरह से समाज को एक सही दिशा देना, सशक्त बनाना और आगे बढ़ाना इस डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये विद्यालय। तो आप यहाँ पर आज पधारे हैं ज्ञान सरोवर, ये एकेडमी जो है 1995 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। सिंस 1995 ज्ञान सरोवर ये एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड जो बनी हुई है, यहाँ पर हमारे जो 21 विंग्स बने हुए हैं उन सभी विंग्स के यहाँ पर सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पूरे वर्ष के यहाँ पर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो हर एक वर्ग के लोग, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, विभिन्न प्रभाग के लोग यहाँ आकर के अपनी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के लिए इंस्पिरेशन लेते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, रिट्रीट्स भी होती है यहाँ पर ना, जैसे इंटरनेशनल यूथ की रिट्रीट्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। तो हर वर्ष इंटरनेशनल लेवल पर यूथ यहाँ पर आते हैं और
बहुत सुंदर रिट्रीट्स यहाँ पर करते हैं। तो आज विशेष रूप से जो कार्यक्रम हम Y20 के अंतर्गत करने जा रहे हैं, इसमें आपका सभी का वेलकम भी, और वेलकम का एक बहुत सुंदर गीत लेकर के आ रहे हैं हमारे बीच नितिन भाई। नितिन भाई जो इस विद्यालय से अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही जुड़े हुए हैं और रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। सो नितिन भाई के पूर्व हमारे एक और प्रतिभाशाली गायक हैं ओमकार भाई, जो विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए नासिक महाराष्ट्र से पधारे हैं, और आप प्रोफेशनल सिंगर हैं, इंडियन क्लासिकल सिंगर हैं और म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक एजुकेटर के रूप में आप अपना प्रोफेशनली आप म्यूज़िक कंपोज़र और म्यूज़िक एजुकेटर हैं, और आपको कई प्रकार के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। फ्रवाशी इंटरनेशनल एकेडमी में आप एज ए HOD अपना वर्क करते हैं, विशारद एग्ज़ाम भी आपने उसमें भी मास्टर्स लिए हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आप परफॉर्म करते हैं। बहुत ही सुंदर आवाज़ के आप धनी हैं, और बहुत ही सुंदर मधुर आवाज़ के साथ आप न हर एक मन का मनोरंजन करते हैं और इंस्पिरेशन भी देते हैं। आज विशेष रूप से हम सब भारतवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं, भारत की महिमा ही महान है, और बहुत सुंदर भारत का महिमा का गीत लेकर के आ रहे हैं ओमकार भाई। सभी तालियों के साथ स्वागत करते हैं ओमकार भाई का। ओम शांति। आज का मौसम भी बहुत सुहावना है, उसके साथ साथ प्रकृति भी बहुत हरी भरी है, सबने देखा होगा। तो उसी के साथ साथ उसका ही एक प्रकृति का गीत आपके साथ, इतना सुंदर भारत है तो भारत के ऊपर एक आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम शांति। सभी तालियां हम बजाएंगे। यहाँ पे कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ पे कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर पहने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है, ये सजीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। सभी ताली बजाएंगे। सिंदूरी गालो वाला सूरज करे रोठ ठोली, शर्मीले खेतों को डंग ले चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग पंगट में रंग चमचम चंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल चेहरे हैं यहाँ,
मस्तानियों की टोली, रंग हंसी के खुशी में रिश्ते जैसे है ये टोली। बातों में रंग, यादों में रंग, रंग रंग रंगीला देश रंगीला, रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला, रंगीला देश मेरा रंगीला। एक खास महाराष्ट्र का रंग यहाँ पर गहरा चढ़ के कभी ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा रंग है छल के परे ना बिखरे। रंग अदा के रंग हाया पे है ये रसीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। यहाँ पर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समुंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, 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 देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। शांति, थैंक यू। बहुत सुंदर। तो हमारे देश के विभिन्न रंग हैं और सतरंगी, सतरंगी गुणों की छटा सारे भारत से विश्व में फैलती है। तो विश्व गुरु भारत ना, और इसके हम सब इसको विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान देते। तो विशेष रूप से आज हमारे बीच अशोक भाई भी हैं, अशोक भाई जेठवा, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप कृपया आकर के स्थान ग्रहण करें। अब हम जो भारत इतना सुंदर रंगों से सजा हुआ है, इस भारत की शक्ति है, कौन सी शक्ति, कौन है भारत की शक्ति, कौन है? युवा शक्ति है, है या नहीं? आप सब हैं, हैं तो प्रेजेंट करें हाथ हाथ हिलाकर, यस वी आर द पावर ऑफ भारत। तो हम सब इस भारत देश को सशक्त करने में अपना योगदान देते हैं। तो भारत की इस सेवा में युवा विंग जो ब्रह्मा कुमारी इसकी है, वो कैसे कार्यरत है, क्या क्या सेवाएं करती है, वो बहुत सुंदर एक वीडियो प्रेजेंटेशन के साथ आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यूथ फॉर टुमारो। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे कैसे भारत में, पूरे भारत में कई वर्षों से सिंस 1985 भारत की सेवा में, युवाओं की सेवा में ये कार्य कर रही है यूथ विंग।
युवा काल जीवन का स्वर्णिम काल है। क्यों? क्योंकि युवा काल में शारीरिक और मानसिक ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर होती है। यह जीवन का सर्वश्रेष्ठ दौर है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही विनाश, लेकिन इसे सही दिशा प्रदान करने से यह चमत्कार दिखाती है। आइए जानें उन महान हस्तियों को जिन्होंने अपनी ऊर्जा का मानवता के लिए सदुपयोग किया। महात्मा गांधी, अमेलिया इयरहार्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, बिल गेट्स, A.R. रहमान, मैडम क्यूरी, स्वामी विवेकानंद, परंतु क्या सभी युवा इस ऊर्जा के बारे में जागरूक है और इसका सदुपयोग करते हैं? निसंदेह युवा काल सशक्त काल है, लेकिन साथ ही नाजुक काल भी है। इस दौर में ज्यादा संभावनाएं होती है भटक जाने की, कुसंग में आने की, परिस्थिति का शिकार होने की। सब रास्ते खुले हैं, यह हमारे ऊपर है कि हम किस तरफ जाते हैं। निर्णय सर्वथा हमारा है। We always have a choice. सन 1936 में समान मानसिकता वाले कुछ युवाओं ने इस ऊर्जा को पहचाना और इसे सही दिशा में लगाया। वह छोटा सा प्रयास आज विश्वव्यापी संगठन ब्रह्मा कुमारीज के रूप में हमारे सामने है, जिसके 132 देशों में 8,500 सेवा केंद्र है और 9,00,000 से अधिक व्यक्ति इसके सदस्य हैं। पिछले 75 वर्षों से यह संगठन अपने 18 प्रभागों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की सेवा कर रहा है और एक बेहतर विश्व के निर्माण की दिशा में तत्पर है। इन प्रभागों में है युवा प्रभाग, जो सन 1985 में अस्तित्व में आया और तब से इसने पूरे विश्व में 1,25,000 युवाओं के जीवन को सही दिशा दिखाई है। युवा प्रभाग के कुछ ऐतिहासिक कदम और सेवा योजनाएं।
इन कार्यक्रमों ने युवाओं को मौका दिया कि वे अपनी आंतरिक क्षमता को पहचाने और एक श्रेष्ठ जीवन और श्रेष्ठ विश्व का निर्माण करें। हम आपको भी युवा परिवर्तन के इस महान आंदोलन से जुड़ने का निमंत्रण देते हैं। आइए साथ मिलकर एक बेहतर कल का निर्माण करें। आप सभी ने देखा कि कैसे एक पॉजिटिविटी वैल्यूज हमारे जीवन में परिवर्तन लाती हैं और उसके कई प्रकार के कार्यक्रम ना इस वीडियो के माध्यम से आपने देखे। तो इसमें और भी बहुत सारे ना प्रोग्राम्स ऐड हुए हैं नवीनता के साथ, जिसमें आज आप एक विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट। ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट नए चल रहे हैं जिसकी भी आपको जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अशोक भाई जेठवा, जो इस विद्यालय से 26 इयर्स से जुड़े हुए हैं, राजयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड सिंस लास्ट 20 इयर्स ही इज़ वर्किंग विथ यूथ विंग। ही इज़ करंटली वर्किंग विथ अ सेंट्रल GST डिपार्टमेंट एज असिस्टेंट कमिश्नर एंड आप इस विद्यालय के कई प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप है, टच द लाइट है, यूथ फेस्टिवल्स हैं और कई ऐसे अन्य प्रोजेक्ट्स ना जिसका इनिशिएट करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में भी आपका विशेष योगदान है। बहुत ही व्यस्त होते हुए, गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी आप विशेष युवाओं के लिए अपना समय निकालते हैं और इस प्रोजेक्ट में नए नए अपने आइडियाज़ भी लेकर आते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने में भी उतने ही एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। तो अशोक भाई जेठवा। ओम शांति। अभी आपने कुछ विशेष झलकियाँ देखी यूथ विंग की, उसमें कुछ नए फिगर्स लगे हैं, नई अचीवमेंट्स हुई है जो मैं आपसे चंद मिनटों में शेयर करना चाहूँगा। मुख्य रूप से हम लोग एक मेरा भारत स्वर्णिम भारत प्रदर्शनी बस यात्रा ऑर्गेनाइज की थी, ये 2017 से 2020 तक ऑर्गेनाइज हुई है। ये बस यात्रा बहुत ही यूनिक थी अपने आप में, ये पूरे भारत में फ्री है, करीब 2 से 3 साल तक ये पूरे भारत में प्रदर्शनी लगाई और ये हर स्कूल कॉलेज में गई है और आप सभी जैसे आपकी एज के यूथ ही इसमें सेवाधारी के रूप में वॉलेंटियर्स के रूप में गए थे, तो आपकी ही किसी कॉलेज में और स्कूल में ये बस वहाँ फ्री मतलब घूमी। वो इस बस में एक विशेष 2-3 प्रकार के एग्जीबिशन लगे थे, जिसमें से मुख्य रूप से स्वच्छता का एग्जीबिशन था और पॉजिटिविटी का एग्जीबिशन था और राजयोग मेडिटेशन का एग्जीबिशन था। तो इस प्रकार से ये बस यात्रा पूरे इंडिया में घूमी। ये सेवाएँ 2017 से 2020 के बीच में हुई। आगे हमने यूथ फॉर ग्लोबल पीस का प्रोजेक्ट किया, जो हर महीने हम अलग अलग थीम पर अलग अलग एक्टिविटी करते थे। जैसे एक मंथ में हमने कॉम्पिटिशन्स की, दूसरे मंथ में हमने कोई डेज को सेलिब्रेट किया, उस प्रकार से बहुत वैरायटी रूप से यूथ फॉर ग्लोबल पीस हमने ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को। 2022-23 में हमने फर्स्ट स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की थी, हमारा जो शांतिवन कैंपस है नीचे आबू रोड पे, और ये सेकंड यूथ स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट है जो आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो 22-23 में पार्लियामेंट के अलावा हम लोग ने अन्य प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें मुख्य थी डिज़ाइन योर डेस्टिनी। तो डिज़ाइन योर डेस्टिनी में हम लोगों ने एक कैंपेन के रूप में हर कॉलेज में जाकर यूथ को वैरायटी उनकी नीड के हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम्स किए, जिसमें मुख्य रूप से था डिजिटल डिटॉक्स या उनका टीम स्पिरिट बिल्डिंग करना या इमोशनल इंजीनियरिंग, उस प्रकार से उनकी एम्पावरमेंट से रिलेटेड, यूथ के एम्पावरमेंट से रिलेटेड डिज़ाइन योर डेस्टिनी प्रोजेक्ट हुआ। साथ में उठो जगत के वास्ते भी प्रोजेक्ट उसी समय उस साल में हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया। 2023-24 में हम लोग Y20 की इंडिया समिट से साथ जुड़े, मतलब यूथ मिनिस्ट्री के साथ और संस्था ने, दोनों ने मिलके Y20 इंडिया समिट ऑर्गेनाइज की पूरे इंडिया में। उसमें रिसेंटली हमने लास्ट मंथ में ही वॉक ऑर्गेनाइज किया था पूरे इंडिया में, और हम लोग इसमें सेमिनार, चौपाल और इस प्रकार से वैरायटी प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें से ये एक प्रोग्राम है जो आप सभी अटेंड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें हमारा मुख्य एम था कि यूथ का जो वॉइस है, यूथ की जो आवाज़ है, वो लोगों तक पहुँचे। उसमें अन्य हमारे जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे कि हम जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसके हम ट्रस्टी बने। अगर हमें जो फ्यूचर चाहिए वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो उस प्रकार से एक हम फ्यूचर के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करें, तो उस प्रकार से हम लोग इन ऑब्जेक्टिव को लेकर इस प्रकार की Y20 इंडिया समिट 23-24 में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हुए, जो हम अभी 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे है, तब तक इस प्रकार के प्रोग्राम्स इस ऑब्जेक्टिव को लेकर ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। हर साल हम लोग नेशनल इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। आपसे नम्र अनुरोध है कि आप नियरेस्ट ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ, आप वैरायटी यूथ विंग की और यूथ से रिलेटेड सेवाओं की लाभ लो, उनसे आप एम्पावर हो और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। इसी शुभकामना के साथ आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई का, जिन्होंने हमें बताया कि कितने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और उसमें हम सब भी भाग ले सकते हैं, ऑर्गेनाइज करने में भी सहयोगी बन सकते हैं। सो, इसका ज़रूर लाभ लें और नए नए प्रोजेक्ट्स में आप भी सम्मिलित होने के लिए इनवाइटेड हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं आप सभी का विशेष रूप से स्वागत करने के लिए न अपने नृत्य के द्वारा न अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करने के लिए तरु बहन चावड़ा, जो विशेष जयपुर से आए हैं, राजस्थान जयपुर वैशाली नगर से। आप डांस टीचर हैं, आपकी अपनी खुद की अकेडमी है और आप वहाँ पर खुद भी परफॉर्म करते हैं और साथ साथ न दूसरों को सिखाते भी हैं। विशेष मास्टरी आपकी राजस्थानी फोक में है। वंदे भारत डांस कंपटीशन की आप विनर हैं, 93 टीम्स में से ना आप विनर रही, फर्स्ट आए थे, और राजस्थानी फोक डांस को आपने यूनाइटेड US में भी आपने प्रेजेंट किया, जो स्पॉन्सर था ICCR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ऐसे कई विदेश में आपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं और आज विशेष रूप से यहाँ पर पधारे हैं। हम आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं इस मंच पर और इस नृत्य के द्वारा अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करेंगे तरुबेन। धारो मारे
कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद तरु बहन का, बहुत सुंदर राजस्थानी फोक नृत्य द्वारा आप सभी का स्वागत किया। तो आप सभी ना इस स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्साहित हैं? यस, इसमें हमें बहुत सारी बातें सीखने मिलेगी, जानने मिलेगी, साथ साथ हम वर्कशॉप्स आपस में ग्रुप डिस्कशंस भी करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातों को एक दूसरे से सीखेंगे। तो इस स्पिरिचुअल पार्लियामेंट का इनॉग्रल सेशन के लिए मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ गीता बहन को आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। गीता बहन भाई मंच पर पधारें, धन्यवाद।